जो बातें अधिकारी के समक्ष जो बातें रखी हैं, इस चीज के लिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ और खासकर एसपी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये सदैव ध्यान रखें कि जितने भी हमारे सहयोगी विद्युत कर्मचारी, यह सब विभाग के कर्मचारी, हमारे सहयोगी, पार्टी के सहयोगी और आपके सहयोग के लिए ये लोग दिन रात खड़े भी रहते हैं। ये लोग आपके कोई नौकर नहीं, आप लोग इनसे कोई अपमानजनक तरीके से बात नहीं कर सकते। कहीं पर भी किसी भी तरीके की आपदा आती है पूरे क्षेत्र भर में, चाहे बाढ़ वाला क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पे आंधी तूफान आए, चाहे जाड़े हो, ठंड हो, गर्मी हो, कैसा भी तापमान न हो, लेकिन ये हमारे सभी कर्मचारी हर रूप में हर जगह 24 घंटे जाकर तत्पर हैं। जनता को कोई समस्या ना पाए उनके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आपके सिर्फ एक आग्रह पर, आपके सिर्फ एक आदेश पर, लेकिन अपने आदेश को आग्रह स्वरूप ही इन लोगों के सामने रखें, ये मेरा आपको बहुत बड़ी सलाह है। ये सलाह आज आप चेतावनी के स्वरूप में रखते अपने संज्ञान में। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित तो हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आगे जाने की किसी के पास क्षमता नहीं है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति 100-100, 1500 लोगों के बराबर है। यहाँ पे जो बात जाएगी वो सीधे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगी। किसी भी हमारे साथियों का अपमान ना, किसी भी जो भी अगर आप किसी पे कार्रवाई भी करते हैं उसके बिना स्पष्टीकरण के साथ आपने कराया, उनका तत्काल रूप में हमको वापस बहाल भी करेंगे। हमन भैया जिंदाबाद, 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 हमन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस हिसाब से, ऐसे हिसाब से हम लोगों ने स्पष्टीकरण भी मांगे हैं जो 8 लोगों के ऊपर क्या क्या कार्रवाई, किन कार्रवाई स्वरूप आप लोगों ने, किन कारणोंवश आप लोगों ने कार्रवाई करी है। उन 8 का, उनमें से 4 लोगों के उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी है कि उन चारों को, उनमें से 4 लोगों को वापस बहाल करेंगे। बाकी लोगों की आप स्पष्टीकरण लाके थे, स्पष्टीकरण लाके थे कि क्या वजह रही, क्यों करना पड़ा, अगर कोई शिकायत नहीं है और जो नए कर्मचारी आपने रखे हैं उनको किस बिहाव पर, किस जरिए से रखना, नए कर्मचारियों से कोई द्वेष नहीं है, नए कर्मचारियों से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो प्रणाली हम लोगों के संज्ञान में आई है वो ठीक है। आपको मैं पुनः चेतावनी देता हूँ कि अगर इस तरीके की अपमानजनक बातें हमारे किसी भी कर्मचारी से करी जाएंगी तो बात यहाँ पर खत्म नहीं, और किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की अगर जीविका के साथ खिलवाड़ कराया जाएगा तो वही परिणाम आप लोगों को भी इसका संज्ञान में लेना पड़ेगा। हमें भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।